नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। मैं हूं आपके साथ गुलविश। आपने कभी म्याऊं म्याऊं के बारे में सुना है क्या? आप सोच रहे होंगे कि हम शायद किसी बिल्ली की बात कर रहे हैं, लेकिन नहीं। म्याऊं म्याऊं वो जहरीला ड्रग्स है जो आज की जनरेशन को बर्बाद करने पर तुला है, लेकिन ऐसा होना मुमकिन नहीं है क्योंकि हमारे देश की एजेंसियां ऐसा होने नहीं देंगी। ये एजेंसियां हमारे युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए दिन रात मेहनत कर रही हैं। उसी का नतीजा है कि आज महाराष्ट्र पुलिस, दिल्ली पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम के हाथ बहुत बड़ी कामयाबी लगी। दरअसल पुणे सिटी पुलिस ने पुणे और दिल्ली में दो दिनों तक चली रेड में 1100 किलोग्राम मेफेड्रोन ड्रग्स जब्त की है, जिसकी कीमत 2500 करोड़ रुपए बताई जा रही है। लोकल भाषा में मेफेड्रोन को ही म्याओ म्याओ कहा जाता है। इसी के साथ पुलिस ने 5 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। महाराष्ट्र में पुणे पुलिस का ये अब तक का सबसे बड़ा ड्रग्स भंडाफोड़ ऑपरेशन है और भारत में ड्रग तस्करों पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई। महाराष्ट्र पुलिस के मुताबिक क्राइम ब्रांच ने 19 फरवरी को पुणे के भैरवनगर और विश्रांतवाड़ी इलाकों में रेड के दौरान 3 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया था। उनके पास से 1.75 किलोग्राम मेफेड्रोन जब्त हुई थी, जिसकी कीमत करीब 3.5 करोड़ रुपए बताई गई। नमक के गोदाम की आड़ में नशीली दवाओं की तस्करी का काम हो रहा था। वहीं मेफेड्रोन की एक और बड़ी खेप पुणे के कुरकुंभ MIDC इलाके में भी छिपी हुई मिली है। यहां से पुलिस ने 650 किलो से ज्यादा ड्रग्स और कच्चा माल जब्त किया। तस्करों से पूछताछ के बाद पुणे पुलिस की एक टीम ने दिल्ली के हौसखास इलाके में एक गोदाम में रेड की, जहाँ से 400 किलोग्राम ड्रग्स मिला। आशंका है कि ड्रग्स को कुरकुंभ MIDC से दिल्ली लाया जा रहा था। इसके अलावा पुणे पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने बताया कि अब तक 5 लोगों को पकड़ा गया है, जिनमें 3 कोरियर बॉय समेत 2 और लोग शामिल हैं। पकड़े गए तीनों कोरियर बॉयज के खिलाफ पहले से केस दर्ज है। एक अन्य की पहचान अनिल सावले के रूप में हुई है। अनिल सावले उसी फैक्ट्री का मालिक है जहां बड़ी मात्रा में ड्रग्स को छिपाकर रखा गया था। पुलिस ने सावले को ठाणे के डोंबिवली से पकड़ा था। इस मामले में पुलिस को कुख्यात ड्रग तस्कर ललित पाटिल से आरोपियों के तार जुड़े होने का शक भी है, लिहाजा अब इस एंगल से भी जांच हो रही है। कल हमने एक NDPS की केस की थी, जिसमें हमने बताया था कि 3 एक्यूज को अरेस्ट किया गया है और अंदाजन 1 किलो 750 ग्राम वर्थ 3.5 करोड़ के अप्रोक्सीमेट MD हमने रिकवर किया था। उसमें आगे इन्वेस्टिगेशन में 2 गोडाउन्स विश्रांतवाड़ी पुलिस स्टेशन एरिया में पाई गई, जिसमें सर्च ऑपरेशन के दरमियान 55 केजीज और भी MD वहां से कल रिकवर हुआ था। इस आगे के इन्वेस्टिगेशन में जो इसका फैक्ट्री था, उस फैक्ट्री वो कुरकुम MIDC एरिया में वो फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री की सर्च की गई आज सुबह और उसमें अंदाजन 500 से 550 किलो के आसपास MD रिकवर की गई है। सर्च सीजर और वेइंग की पूरी प्रोसीजर अभी शुरू है। टोटल अभी तक इस प्रकरण में 600 किलो के आसपास MD, जिसकी मार्केट वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1100 करोड़ है, वो अभी तक रिकवर की जा चुकी है। आगे भी इसकी जो भी अपवर्ड और डाउनवर्ड लिंकेजेस है, उसको हम अनर्थ करने की पूरी तरीके से प्रयत्न कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहूंगा कि पूना में अलग अलग जगह और पूना के बाहर भी और महाराष्ट्र के बाहर भी हमारी टीम्स प्री पोजिशनड हैं। जो भी अपवर्ड और डाउनवर्ड लिंकेजेस इसमें सामने आएगी, उसके अकॉर्डिंगली ऑपरेशन इस मैटर में किया जाएगा। पुलिस की माने तो इस बड़े रैकेट में अंतर्राष्ट्रीय तस्करों के शामिल होने का भी शक है। कुछ इलाकों में पुलिस की रेड अब भी जारी है। पुणे पुलिस और दिल्ली पुलिस जॉइंट ऑपरेशन के तहत कार्रवाई कर रही है। कुछ लोगों का कहना है कि पकड़ी गई ड्रग्स की कीमत 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो सकती है। आपको बता दें, देश के युवाओं को बर्बाद करने के लिए रोजाना देश में लाखों करोड़ों की ड्रग्स आती है और बर्बादी के निशान छोड़ जाती है, लेकिन युवाओं को नशे की गर्द से बचाने के लिए देश की पुलिस, एंटी नार्कोटिक्स टीम, क्राइम ब्रांच जैसी सरकारी एजेंसियां भी इन दिनों फुल एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं और देश के अपराधियों की कमर तोड़ने के लिए आए दिन बड़ा ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। इसी का नतीजा ये है कि इतनी बड़ी कामयाबी उनके हाथ लगी है। लेटेस्ट खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।